खाली पेट भजन नहीं होता है सर, आप कुछ खा के आए होंगे तब बोल पा रहे होंगे। तो आप ऐसे डकैत जो बचना चाहते हैं वो भाजपा को ज्वाइन करें और वो अगले ही दिन वो पवित्रता उन्हें हासिल हो जाएगी। तो यहाँ पर और कितनों का आपको समर्थन मिल रहा है? समर्थन युवा जागरूक हो रहे हैं आप जगह बिल्कुल तो हमारे साथ यहाँ पे कई हमारे वरिष्ठ नेता भी आए थे, माननीय उदित राज जी भी आए थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में डॉक्टर साहब भी आए थे, तो ऐसे कई लोग हमारे आए हैं। वो पार्टी विचारधारा से नहीं आए, वो इस विचारधारा मूलभूत समस्या है सर। रोटी आपने भी खानी है, टैक्स आप दे रहे हो, दूध आप भी 65 रुपए का खरीद रहे हो, पेट्रोल आप भी 95 का खरीद रहे हो, बच्चे आपके भी पढ़ने जाते हैं, तो समस्याएं सबकी हैं। तो वो उन समस्याओं के लिए आए हैं, तो समर्थन नहीं, हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए। युवा अपने आप में समर्थित है, जिस दिन ये जा गया क्रांति अपने आप हो जाएगी। लेकिन आज भी कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व रक्षक है, ये नहीं हुए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और मंदिर मस्जिद में बड़ा मजा आता है आजकल, मंदिर मस्जिद के मुद्दों को लेके, उसको लेके इस युवा क्या सोचता है? सर धर्म से मैं सनातनी हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? और अगर मैं धार्मिक आधार पर बात करूं तो जो हमारे चाणक्य रहे हैं कहते हैं ना कि खाली पेट भजन नहीं होता है सर, आप कुछ खा के आएंगे तब बोल पा रहे होंगे। तो आप कब तक किसी को गुमराह कर पाएंगे, कब तक आप खाली पेट मजीरा बजवा पाएंगे, तो वो संभव नहीं है। तो अगर युवाओं का खाली पेट रहेगा तो ये एक दिन आग आंधी में बदलेगी और उस आंधी में एक भी पेड़ नहीं बचेंगे। अच्छा ये अंकल जी कौन है?